हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार मालविया। आज हम बात करने वाले हैं व्यापम के ओल्ड प्रवेश पेपर के बारे में। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से वैकेंसी निकल के आया हुआ है। MPPEB के लिए व्यापम स्टाफ नर्स ग्रेड 2 ग्रुप 5 की वैकेंसी निकली है। उसी के रिगार्डिंग के लिए हमने यहाँ पे क्लास प्रिपेयर की है, जो प्रीवियसली ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी का हम आपको रिव्यू करने वाले हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हमारा चैनल देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको मध्य प्रदेश व्यापम में एक अच्छे से स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे लिखा रहा होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन इज रिकमेंडेड बाय द WHO, मतलब WHO के रिगार्डिंग की बात की जाए तो जो कितने हाइजीन और जो मूवमेंट होते हैं आपको कितने देखने को मिलता है। तो मैं हाइजीन की बात करूं और मूवमेंट की बात करूं तो जो हैंड हाइजीन के जो मूवमेंट है वो आपको 5 देखने को मिलेंगे, और स्टेप की बात करें हम, जो स्टेप आपसे पूछा जाता है, जो स्टेप होता है वो आपको 7 देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो हैंड हाइजीन होता है वो 5 होते हैं, और जो हमारे मूवमेंट के हैंड हाइजीन होते हैं वो 5 होते हैं, और स्टेप आपको 7 देखने को मिलता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय द बीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई हाउ इट विल अचीव द गोल इज, मतलब एक ब्रॉड स्टेटमेंट बाय द बीच ऑर्गेनाइजेशन बीच स्पेशली हाउ इट विल द गोल इट अपेक्ट, तो किसके लिए आर करती है, तो विजन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा संगठन निर्धारित करता है वह लक्ष्य को प्राप्त करेगा वो क्या कहलाता है। मतलब किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसका पहले सबसे पहले क्या होता है, विजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का बात करें हम, द कलर कोड इज इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट एट द आउट पेशेंट हेल्थ इज, तो जो हमारा IMNCI होता है ये कब आया था, जो हमारा IMNCI होता है ये हमको कब देखने को मिला था, ये आई थिंक आपको मैं बता दूँ 2013 में आपको आया था, 2013 में आपको देखने को मिला था। इसमें जो येलो कलर होता है, ठीक है, जो येलो कलर होता है हम उसको प्रेफर करते हैं कि आउट पेशेंट हेल्थ इज फैसिलिटी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बोलते हो। ये जो पिंक कलर होता है, पिंक कलर इंडिकेट करता है कि पेशेंट को अर्जेंट नीड है, ठीक है। द कलर कोड इज इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट इन आउट पेशेंट हेल्थ इज फैसिलिटी इज, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको रेड कलर देखने को नहीं मिलता है, ग्रीन कलर भी होता है, बट येलो कलर जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रोब विद द सब्स्टिट्यूट नेक्रोसिस एंड द स्लजिंग इन केस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, तो इसको क्या किससे किया जाता है, मतलब कहने वाली बात है कि फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रोब, मतलब प्रोब की थोड़ा यूजिंग के थोड़ा प्रोब करके हम वहाँ से टिश्यू कल्चर लेते हैं तो उसको क्रायो सर्जरी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्रायो सर्जरी कहते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं कहते हैं, लेज़र थेरेपी नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। यदि आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, COVID-19 इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द, ये तो क्या पेंडेमिक है, ये सभी को पता है पेंडेमिक है, मतलब पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल आप कह सकते हो, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल, जैसा आप इंडिया मध्य प्रदेश इसमें आप इसको नहीं बोल सकते कि ये पैंडेमिक है, आप इसको बोल सकते हो जापान इंडिया रूसिया, ऐसी जो कंडीशन होती है वो पैंडेमिक होती है। स्पोरैडिक क्या होता है कि छोटे से टाइम के लिए होता है, स्पोरैडिक थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको देखने को मिलता है। रीजनल है, एंडेमिक होता है कि जो कि आपके रीजन में एरिया में पाया जाता है और आपके नेशनल लेवल पे पाया जाता है, जैसे कम्युनिटी में कभी कभी कहीं कहीं चीज़ें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द नर्स ऑब्जर्व कलर ऑफ द स्टूल ऑफ द नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट येलो, यदि कोई बच्चा अच्छे से क्या कर रहा है, एक शिशु अपना जो पीडियाट्रिक होता है न्यूनेट होता है वो यदि अच्छे से आपका क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उसका जो कलर होता है वो उसको येलो देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लैक पेरी नहीं दिखता है, मेकोनियम नहीं दिखता है, ग्रेनिश नहीं दिखता है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो येलो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड एज, तो ये प्रोबेबिलिटी का आता है, ये रिसर्च का क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे, कि जो
सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, हम सैंपल को जो कलेक्ट करते हैं, सैंपल रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसको प्री करते हैं या प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। क्वाटा है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, पर्पसली नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन का बात करें कि आप प्रेगनेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज, आप प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट इन द पास्ट, मतलब प्रेग्नेंट स्टेट प्रेजेंट इन द पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, तो उसको हम ग्रेविडा में काउंट करते हैं। मतलब इसमें ये रहता है कि स्टेट हो तो प्रेगनेंट पास्ट एंड प्रेगनेंट एंड प्रेजेंट एंड द पास्ट स्टेट होती है, जिसमें आप ग्रेविडा स्कोर देते हैं 1-2 देते हैं, यदि 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो 2 देंगे, और कुछ नहीं है तो आपको 0 स्कोर यहाँ पे मार्क करते हैं। इसके रिगार्डिंग प्रायोरिटी के रिगार्डिंग और जो पेरा होता है मल्टी पेरा के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है जब भी आप एमपी व्यापन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा, आई थिंक कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का जो ज़्यादा यदि अमाउंट में हम दे देते हैं, तो उसको रोकने के लिए उसका एंटीडोट होता है, उसको हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहने वाली है। 10th नंबर का क्वेश्चन की बात करें हम, नेम ऑफ द स्कीम बीच प्रोवाइड फ्री एंटीनेटल एंड द पोस्टनेटल चेक काउंसलिंग एंड द न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग एंड द स्पेसिफिक ऑफ द बर्थ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये किसके अंदर में आता है, तो ये वंदे मातरम जो स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई थी, आई थिंक ये वंदे मातरम स्कीम आपको तो कब चलाई थी, तो ऐसी स्कीम के आपको ईयर से अच्छे से याद करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपसे ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, जितने भी स्कीम मध्य प्रदेश भारत में चलाई जा रही है या इंटरनेशनल लेवल पर चलाई जा रही है, वो सारी स्कीम आपको पता होना चाहिए, विद ईयर भी आपको उनका मेंशन आपको याद होना चाहिए, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल लेने वाला है आपके नेक्स्ट कमिंग व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें हम, आइडेंटिफाई द लिगामेंट्स बीच डिवाइड द लेबर इनटू द टू प्रिंसिपल लोब, उसको क्या बोलते हैं, यदि आइडेंटिफाई द लिगामेंट्स ऐसा कौन सा लिगामेंट है जिसको लेबर को डिवाइडेड करता रखता है, तो हेल्सी फॉर्म लिगामेंट होता है कि जो आपको डिवाइड करके रखता है, राउंड लिगामेंट नहीं होता है, हेल्सी फॉर्म जो लिगामेंट होता है वो उसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। देन बात करें हम अपना जो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट एज एक्चुअल और द पोटेंशियल प्रॉब्लम, मतलब नर्सिंग प्रक्रिया के किस भाग में ग्राहक की प्रवस्था या संबंधित समस्या का विश्लेषण किया जाता है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब कि यदि आप नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से बना लेते हैं, तो उसका जो रहने वाला है आप उससे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, और फर्दर जो पेशेंट को नीड लगती है वो पेशेंट को आप नीड प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, लिखा हुआ है ड्रग इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर इज ग्रेनुअल्स एनक्लोज इन द जेलेटिन कंटेनर आर द कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जो कैप्सूल टाइप की, जो हम आपने ड्रग्स देखी होगी, जो कैप्सूल टाइप की जो ड्रग्स देखी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, जो कवर रहती है एक ग्रेनुअल जेलेटिन टाइप के मटेरियल से कवर लेती है, जैसे ही वो अपने एसिडिक स्टोमक कंटेनर में जाती है वो तो घुलनशील हो जाती है, तो उसका राइट आंसर ये रहने वाला है। इनसफिशियंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, यदि इनसफिशियंट ब्लड वॉल्यूम आपको आपके बॉडी में दिख रहा है तो वो क्या हाइपोवोलेमिक कंडीशन को क्रिएट करता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक अलग होता है जो कार्डियक की प्रॉब्लम से देखने को मिलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक आपको न्यूरोलिटिक की प्रॉब्लम से मिलता है, डिहाइड्रेशन होता है मतलब कि लॉस ऑफ द वाटर या फ्लूड का आपकी बॉडी में कम होना लॉस ऑफ वाटर का देखने को मिलेगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक का कंडीशन यही होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो प्रिंसिपल ऑफ द वेरासिटी रेफर्स टू द टेलिंग द ट्रूथ, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सच बोलना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपको टेलिंग द ट्रूथ रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, टेलिंग द ट्रूथ, ये आपको याद रखना है, ये आपको मैनेजमेंट और ये कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले फर्दर एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। द साइट ऑफ द एडमिशन ऑफ द BCG इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लेफ्ट डेल्टोइड रीजन में देखना है। अब जो BCG वैक्सीन है इसका डोज कितना देते हैं, तो 0.5 ml देते हैं, ठीक है, 0.5 ml देते हैं। वही बात करें इसके डोज अकॉर्डिंग टू, यदि 1 year पे देते हैं तो 0.1 ml और डोज आपको देखने को मिलता है। वो क्या क्या BCG से रिगार्डिंग सारे ही अपडेट आपको पढ़ के जाना है,
क्या होता है BCG, क्यों दिया जाता है, तो हम TB को प्रिवेंट करने के लिए BCG को प्रोवाइड करते हैं। देन बात करें हम तो ये बच्चों में कब कब दिया जाता है, तो आप BCG का जो वैक्सीन होता है वो कब बच्चों में दिया जा सकता है, एट बर्थ दिया जा सकता है, ठीक है। एट बर्थ नहीं दे के भी यदि आप 1 ईयर की कंडीशन और 1 ईयर के बीच में आप BCG वैक्सीन को प्रोवाइड करा सकते हैं वो, ठीक है। ये है इसका जो आपको साइड पूछा है, इसमें तो लेफ्ट डेल्टोइड रीजन देखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे के रखे उसी में से आपको आंसर को चूज़ करना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दे के रखा और आपको जो आंसर आता है वो नहीं है, तो ये टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस होगी आपके लिए। आपको वही क्वेश्चन का आंसर चूज़ करना है जो आपको ऑप्शन में दिया रखा है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो आप पढ़ के आते हो वो सेम आंसर आपको नहीं दिखना है, बट आपको क्या करना है, आपको कोरिलेटेड करके आपके आंसर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आप कोरिलेटेड कर पाएंगे तो आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। वही बात करें नेक्स्ट का, द पेशेंट डॉक्यूमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट विद द पोलीनेफ्राइटिस। यदि पोलीनेफ्राइटिस किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसको क्या आएगा, पोलीनेफ्राइटिस आ रहा है मतलब उसको इन्फेक्शन हो रखा है। यदि उसको इन्फेक्शन हो के रखा है तो उसको सबसे पहले क्या फीवर देखने को मिलेगा, चिल एंड फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा। फ्लैंक पेन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बात करूँ तो जो हमारे किडनी का जो पेन होता है वो हमारे फ्लैंक रीजन में, कोस्टोवर्टिब्युलर रीजन में आपको देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पे आपको रिप्स देखने को मिलेगा। देन बात करें हम ये रिप्स और ये जो रीजन देखने को मिलता है और ऐसा जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्युलर एंगल, और यही फ्लैंक का रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट आ एक्स्ट्रा पेरीमेडल सिम्टम्स। जो एक्स्ट्रा पेरीमेडल सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जब आप ड्रग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पेरीमेडल सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो किसमें देखने को, मैं माइड्राइटिस जो ड्रग होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा पेरीमेडल सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ड्रग होती है क्या लिखा है, बीच इज अ नोट आ, आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी नोट दिखा रहता है इसमें, मोस्टली यही नोट और एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। जो इसमें पूछा है कि नॉर्मल लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या रहने वाला है, तो 2 mg/dL आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 mg/dL आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा इज कॉल्ड द। यदि यदि प्रीमेच्योर सेपरेशन, यदि बर्थ से पहले ही प्लासेंटा का आपका सेपरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अब्रेसिव प्लासेंटा बोला जाता है, ठीक है। अब रेशियो प्लासेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा इज कॉल्ड, मतलब पहले से हो जाता है तो आपको ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग रहेगा, पेनलेस ब्लीडिंग हो सकता है, पेनलेस ब्लीडिंग ही होता है ब्रेसियो प्लासेंटा में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बलोटमेंट बेटल डोर प्लासेंटा भी एक टाइप का प्लासेंटा होता है जिसमें आपको अलग पोल लोब देखने को मिला। प्लासेंटा प्रीबिया है जिसमें कि आपको इसी का ऑपोजिट रहने वाला है जिसमें आपको सेपरेशन होता है, बट नॉर्मली सेपरेशन नहीं होता है, कुछ डिग्री में आपको सेपरेशन देखने को। वेलामेंटस प्लासेंटा होता है जिसमें कि आपको मार्जिन और टाइप पे आपको इसका जो मार्जिन होता है वो जिलेटिन टाइप का कवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनी एडपेटेंट बिहेवियर डेट एक्सटेंड टू टॉयलेट लिमिट ऑफ द कम्युनिटी इज रेफर्स टू द सोशल प्रॉब्लम। यदि किसी की भी हम प्रॉब्लम को एक लिमिट तक सहन कर रहे हैं तो उसको सोशल प्रॉब्लम की कंसिडर में रखेंगे, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिसोसिएटिव कन्वल्सिव। तो न्यूरोलॉजिकल साइन आर द एब्सेंट इन डिसोसिएटिव कन्वल्सन, ये करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सोर्स ऑफ द इनकम इज बजट टर्म एज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम दिखा है। आपने YouTube में भी देखा होगा ये चीज़ें, आपको कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके ही आंसर करना रहता है। रेवेन्यू का ऑप्शन आपने YouTube में देखा होगा, वहाँ पे भी आपको देखना पड़ता है कि कभी कभी ये भी सुना होगा कि इस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, तो वो सोर्स ऑफ बजटिंग का इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन का बात करें, द रिपीटेटेड इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पासेस ऑफ द फिशेस इन द इनअप्रोप्रिएट प्लेस इज कॉल्ड द इनकोप्रेसिस को इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, इनकोप्रेसिस का अनुचित स्थानों में मल के बाहर अनिच्छिक जानबूझकर होने को कहा जाता है, इनकोप्रेसिस इसको कहा जाता है। आप नेक्स्ट का क्वेश्चन का बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ मॉर्बिडिटी इंसिडेंट एंड प्रेवलेंस, ठीक है। तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों हमने आज क्या 25 क्वेश्चन आपके साथ डील किए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा हमारे 25 क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो हम आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो
आपको डील करेंगे और ये जो PDF है वो आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि हम इसको धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन डील करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी नेक्स्ट कमिंग व्यापक 25 तारीख का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, आपके बेसिक लेवल के टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ज़्यादा आपको कचरा नहीं पढ़ना है, घास नहीं खाना है, सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ना है। जिससे सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको आंसर अच्छे से देखने को मिल जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम सब कुछ पढ़ के जाएँ और सब कुछ आने वाला है तो ऐसा पॉसिबिलिट नहीं होता है। जो मध्य प्रदेश व्यापम ने आपको सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन पुटअप करता है। मैंने देखा है इसमें ये चीज़ें अभी तक जो भी देखा है। तो आपको क्या करना है, इसका सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। सिलेबस आपके पास अच्छे से रीड होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। टाइम ज़्यादा नहीं है, 25 दिन भी नहीं बचे हैं आपके पास, कहने वाली बात है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा और ऐसे ही आप हमें बताइएगा कि हम जो इसका पार्ट वन है ये हमारा पार्ट टू आप कब लेके आएँ। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम जल्दी ही पार्ट टू भी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं पार्ट टू के साथ, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम व्यापम मध्य प्रदेश की सारी जानकारी आपको कवर करेंगे और आगे भी ऐसी क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।